बच्चों, आज हम आपके जो टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंतर्गत पोइट्री सेक्शन में जो एक फेमस पोम है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी पोम जिसका नाम है द ट्रीज। द ट्रीज, और इसकी जो लेखिका है, जो कवित्री है, वो है एड्रिन रिच। तो इन्होंने, एड्रिन रिच ने जो है बहुत ही ज्यादा नारीवादी सोच पर कार्य किया है, फेमिनिज्म पे बहुत ज्यादा वर्क किया है। वो एक कट्टरपंथी कवियत्री भी रही हैं। तो यहाँ पर अगर इसका सिंपल मीनिंग देखें, द ट्रीज मतलब पेड़, लेकिन यहाँ पर जो सिंबलाइज किया है वो किया है फीमेल को, यानी जो द ट्रीज है वो फीमेल को सिंबलाइज करता है। के अंतर्गत जो पोम है आपकी, उसका नाम है द ट्रीज, और इसको लिखा है एड्रेन रिच ने, जो कि एक फेमिनिस्ट पे काम किया है। इन्होंने नारीवादी सोच पे है उनकी कविता आधारित, और वो एक बहुत अच्छी कट्टरपंथी कवियत्री भी रही हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो बाल्टीमोर यूएसए में हुआ था। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि जो पोम का नाम है द ट्रीज, सिंपल अगर मीनिंग देखें तो ट्रीज यानी पेड़, लेकिन यहाँ पर जो पेड़ है वो किसको रिजेंबल, किसको सिंबलाइज कर रहा, महिलाओं को सिंबलाइज कर रहा। वो एक महिला को, एक फीमेल को उसको बता रहा है, और उसके अभिव्यक्ति जो है बहुत ही सुंदर शब्दों में लेखिका ने की है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये किसका है, एड्रिन रिच का है। अब हम पहले इसको समझेंगे। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट। The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these night will be full of trees by morning. अब यहाँ पर बरी का अर्थ होता है टू एनग्रेव, यानी जड़े जमाना या दफन होना। यहाँ पर जो पोएटिस है उसका ये मीनिंग है कि ट्रीज को उसने सिंबलाइज किया है महिलाओं से, फीमेल से, और उन्होंने ये बताया कि जो ट्रीज हैं, जो महिलाएं हैं, जो अब तक घरों में कैद थी, इनसाइड वर्ल्ड के इनसाइड थी, वो सब फॉरेस्ट, यहाँ फॉरेस्ट का जंगल अर्थ नहीं है, यहाँ मतलब है बाहरी दुनिया, तो वो सब बाहरी दुनिया की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। वो बाहरी दुनिया की तरफ मूव कर रही है। वो बाहरी दुनिया, वो फॉरेस्ट जो अब तक कैसा था, एम्प्टी यानी खाली था, पूरा खाली था, जो फॉरेस्ट जहां पर किसी भी चिड़िया या पक्षी के बैठने की जगह नहीं थी, जहां पर कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीट जो है अपने आप को छिपा नहीं सकता था, जहां पर कोई ट्रीज नहीं थे तो सन जो है वो अपनी प्रकाश की किरणें उन शाखाओं के बीच में धंसा नहीं सकता था, उसकी शेडो वहां तक नहीं जा पाती थी, और वो जो जंगल अब तक पूरा खाली रहता था वो अब अगली सुबह तक इन ट्रीज के द्वारा भर जाएगा। अर्थात जो आउटर वर्ल्ड है वो महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के कार्य क्षेत्र से भर जाएंगी और महिलाएं कार्य करने लगेंगी। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। द लीव्स स्ट्रेंड टुवर्ड्स द ग्लास स्मॉल ट्विग्स स्टिप विथ एक्सर्शन। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉग्स शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं डिसएंगेज मतलब सेट लूज, अपने आप को फ्री करना। तो बोलती हैं कि जो बरांडा फ्लोर में जो ट्री लगा हुआ है, ये वरांडा फ्लोर है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक ट्री लगा हुआ है, तो पूरी रात यानी जितना भी जब तक कोई काम नहीं हो रहा उसको नाइट से रिजेंबल किया है, तो पूरी रात इसकी जड़ें अपने आप को छुटाने का प्रयास करती रही इस वरांडा फ्लोर से। ये वरांडा फ्लोर यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा कि जो रूढ़िवादिता है, जो महिलाओं को एकदम घर और उससे जोड़ दिया गया है, उन सारी मतलब थोड़ी सी इल मेंटेलिटी से उन सब से छूटने का ये प्रयास करती रही। तो सारी रात ये ट्री इसकी जड़ें अपने आप को वरांडा फ्लोर से छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। क्यों कर रही थी, ताकि वो बाहर की दुनिया में जा सके। उसकी जो पत्तियां हैं वो कहाँ,
ग्लास का जो डोर एक एक सीमा रेखा बन गई है इनसाइड वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड के भीतर महिलाओं की, तो उसकी जो पत्तियां हैं वो कहाँ जा रही हैं, बाहरी दुनिया की तरफ मूव करना चाहती हैं। पेड़ों की जो छोटी छोटी स्मॉल ट्विक्स, ट्विक्स यानी टहनियां और बॉक्स क्या कहलाता है कि जब इस प्रकार से छोटी छोटी जो एक ब्रांच है पेड़ की वो बॉक्स कहलाती है। तो पेड़ों की टहनियां और इसकी जो स्मॉल बॉक्स है ये सब की सब कहाँ जा रही है, शफलिंग अंडर द रूफ। अब वो क्या कर रही हैं, यहाँ से खिसक रही हैं, मूव कर रही हैं। कहाँ की तरफ मूव कर रही हैं, बाहरी दुनिया की तरफ। ठीक वैसे ही जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, अपने घर की ओर। तो उसी प्रकार से ये पेड़ जो है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, वो अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल से बाहर जा रहे होते हैं। तो इसी प्रकार महिलाएं भी अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र कर रही हैं, वो छोटे छोटे कदम बढ़ा करके आगे की तरफ शिफ्ट कर रही हैं और वो बिल्कुल न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह हैं जो आगे अपनी नई दुनिया में जाना चाहते हैं, फॉरेस्ट या आउटर वर्ल्ड में जाना चाह रही हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh. The whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब यहाँ पर जो कवित्री है, जो पोएट्रेस है, वो क्या कह रही है कि मैं घर के अंदर बैठी हुई हूँ, I sit inside. Doors open to the veranda, और जो मेरे घर के दरवाजे हैं वो कहाँ खुले हुए हैं, बरामदा की तरफ खुले हुए हैं, बरामदे की तरफ खुले हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं एक अच्छा लंबा पत्र लिख रही हूँ जिसमें मैं क्या लिख रही हूँ, मैं क्या मेंशन कर रही हूँ, मैं मेंशन कर रही हूँ डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर के अंदर से फॉरेस्ट का जाना, बाहर जाना, यानी महिलाओं का घर के अंदर से बाहरी दुनिया की तरफ जाना, उसको मैं क्या कर रही हूँ, वर्णन कर रही हूँ। द नाइट इज फ्रेश, अब जो रात है वो कैसी हो चुकी है, बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है। द होल मून शाइन इन अ स्काई, और जो पूरा का पूरा चंद्रमा है वो स्काई आसमान में, आकाश में चमक रहा है। अब यहाँ पर मून का अर्थ सिर्फ चंद्रमा से नहीं है, मून का अर्थ विमेन से भी है कि जो महिलाएं हैं वो एक स्वच्छ रात्रि में, स्वच्छ आसमान में बहुत अच्छे से शाइन कर रही हैं। Still open the smell of leaves and lichen, और वहां से किस चीज की खुशबू आ रही है, पत्तियों की खुशबू और लिचन। लिचन जो एक ऐसा होता है जिसमें कवक और शैवाल सिंबायोसिस रूप से रहते हैं, सहजीविता के साथ रहते हैं। तो लीव्स की खुशबू, लिचन की खुशबू, वो सब उस लेखिका के पास तक पहुंच रही है। लेकिन वो खुशबू कैसे रूप में पहुंच रही है, It still reaches like a voice. वो खुशबू अब ध्वनि के रूप में, वॉइस के रूप में परिवर्तित होकर मेरे रूम तक पहुंच रही है। मतलब महिलाओं की जो स्वतंत्रता हो रही है, जो वो सेल्फ डिपेंड हो रही हैं, वो सारी चीजें लेखिका तक एक खुशबू, एक माध्यम के रूप तक पहुंच रही है और वो उसको अपने एक लंबे पत्र में इसका वर्णन कर रही है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन The glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब यहाँ पर बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही अच्छा वर्णन कवित्री ने क्या किया कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, विस्पर यानी फुसफुसा के कहना, यानी बहुत सारी बातें, यानी कई बातें बिल्कुल यहाँ से वहां सिर पर जा रही, तो मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं जो फुसफुसाहट के साथ आ रही हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो आने वाले कल में क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। यानी मेरे मन में जो बातें, इतनी सारी ध्वनियां जो आ रही हैं, वो सब कल तक शांत हो जाएंगी। लिसन, सुनो, क्या सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो कांच है वो क्या है, टूट रहा है। Here the glass is breaking means कि जो एक शीशा था महिलाओं के लिए अंदर अंदर के घर, घर के और घर के बाहर की दुनिया के बीच में जो एक मिरर था,
जो एक मिथ था बहुत बड़ा, जो उनको आगे बढ़ने से रोक रहा था। लिसन, इट इज ब्रेकिंग, वो ब्रेक हो रहा है, वो टूट रहा है, वो जो पर्दा था उनके लिए, जो वो ग्लास रूपी जो एक उनको बाउंड्री खींच गई थी, वो क्या हो रही है, टूट रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट। द ट्रीज यानी, और स्टम्बलिंग का मतलब होता है ठोकर खाकर आगे बढ़ना। ये जितनी महिलाएं हैं ये सब ठोकर खा खा करके धीरे धीरे, लेकिन क्या हो रही है, पूरी रात आगे बढ़ रही है, ये अपने आप को बढ़ा रही है, आगे ले जा रही है। और जब ये आगे ले जा रही है तो क्या होता है, विंड्स रश टू मीट देम। तो हवाएं, जितनी ताजी हवाएं, जितनी शक्तियां, जितनी एनर्जी है, टू मीट देम, उनसे मिलने जा रही हैं। तो एक तरफ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ जो दुनिया की शक्तियां हैं, जो दुनिया की सारी अच्छी चीजें हैं, वो सब उनसे मिलने जा रही हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। जो चंद्रमा था वो कैसे टूटा दिखाई दे रहा है, ब्रोकन लाइक अ मिरर, एक दर्पण की तरह, एक शीशे की तरह टूटा हुआ प्रतीक हो रहा है। वास्तव में टूटा नहीं, कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके सामने क्या है, एक बहुत बड़ा ट्री है, ओक का ट्री है, बलूत का जो पेड़ है, उसके सामने जब चंद्रमा आ गया तो ये क्या हो गया, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि वो कई टुकड़ों में टूट चुका है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। और इसके जो चंद्रमा के टुकड़े हैं वो इतने मिरर की तरह इतना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि जो एक टॉलेस्ट पेड़ है ओक का, उसके सामने एक एज ए क्राउन की तरह फील हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो उस टॉलेस्ट ओक के पेड़ का क्या है, क्राउन है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ उन्होंने क्या बोला है, ट्रीज को किससे सिंबलाइज किया है, फीमेल से। तो जब महिलाओं ने हिम्मत करके आगे बढ़ा, उनके साथ बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, उनका बहुत बड़ा मिथ टूटा, और जब वो एक किसी अच्छे ओक के पेड़ के भांति इतनी मजबूत और शक्तिशाली हो गई है कि जो चंद्रमा भी है वो इनके सर के समय कैसा लग रहा है, एक मुकुट या एक क्राउन की तरह प्रतीत हो रहा है। तो बच्चों ये यहाँ पर ये जो कविता है ये फ्री वर्स में लिखी गई है, यहाँ पर कोई मतलब क्या नहीं है, राइम नहीं दिख रही है, कोई राइमिंग नहीं है यहाँ पर, सीधे सीधे उन्होंने फ्री वर्स में इस पोम को लिखा हुआ है। तो ये जो पोम है ये आप बहुत अच्छे से समझें। थैंक यू।